बुलंद सर आवाज। सलवात मुहम्मद अपने अपने मरहूमीन के लिए, शुहदा इस्लाम के लिए, बुजुर्ग उलमा मराजे के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह रहमान सलवात पे मुहम्मद व आले सर ओह
अकरब या महम्मद या अली या अली या महम्मद وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين السلام सामईन कुरान करीम में इरशाद हो रहा है और तमाम मुसलमानों से परवरदिगार का ये खिताब है ऐलान है कि मुसलमानों क्या तुमने ये सोच रखा है कि तुम जन्नत में चले जाओगे जबकि तुमने कभी जिंदगी में जिहाद नहीं किया और न ही जिहाद करने के बाद जो मुसीबतें आती हैं उन पर तुमने सब्र किया तो बगैर जिहाद और सब्र के तुम किस तरह से जन्नत में जा सकते हो। सलावत पे मोहम्मद लिहाजा बहुत ही साफ ऐलान परवरदिगार है कि अगर जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हो तो जन्नत में जाने के लिए ये दो शराइत हैं कि जिंदगी में जिहाद भी करना होगा और मुसीबतों पर सब्र भी करना होगा। सलावत पे मोहम्मद और आज जिस अजीम शान शख्सियत का जिक्र करना है और ये तारीख जिस अजीम शान शख्सियत के साथ मंसूब है यानी मौलाए मुत्तकियान हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम
मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो जिहाद से खाली हो। जिंदगी का लम्हा लम्हा जिहाद फी सबीलिल्लाह में गुजरा है। और जैसे अर्ज किया गया कि अली ने इतना जिहाद किया, इस अंदाज से जिहाद किया कि अगर अली नबी के बिस्तर पर सो भी जाए तो इनका सोना भी जिहाद बन जाता है। जिंदगी का हर लम्हा जिहाद फी सबीलिल्लाह से भरा हुआ है कि मौला फरमाते वल्लाह ला इब्नु अबी तालिब अनस बिल मौत मिन अत्तिफ्ल बिसदयिल उम्मिही। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अली को मौत से इतनी मोहब्बत है। लोग जिहाद से डरते हैं मौत की वजह से, और मौला अली मौत का खौफ दिलों से निकालने के लिए फरमा रहे हैं सलावत पढ़े मोहम्मद इमाम। कि खुदा की कसम है कि अबी तालिब का बेटा मौत से इतनी मोहब्बत करता है जितनी मोहब्बत छोटा बच्चा मां के दूध से करता है। अल्लाह अकबर। किसी मैदान में मौला अली पीछे नहीं हटे, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि मौला से जब पूछा गया कि मौला जंगे उहद में बड़े बड़े बहादुर मैदान से भाग गए, आप क्यों नहीं भागे, तो फरमाया अकफुर बादल ईमान, क्या मैं ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता। मौजू फरमाई, यानी अली का ये अकीदा है, अली का ये ईमान है कि मैदान जंग में अगर कोई पैगंबर को तनहा छोड़ के चला जाए तो वो अली की नजर में मुसलमान। ईमान लाने के बाद हम फिर कुफ्र की तरफ पलट जाते, ये दुनिया को बतला रहे हैं, क्योंकि खुद तो कुल्ले ईमान है। सलमान पे मोहम्मद और इस कदर आशिक जिहाद हैं, इस कदर ये मुजाहिद अजीम शान जिसकी जिंदगी का हर लम्हा जिहाद में गुजरा है। अल्लाह अकबर। कि जब लोगों ने पूछा मौला सारे दुनिया के मुजाहिद हमने देख लिए, सारे दुनिया के बहादुर देख लिए, जो भी बहादुर आता है ढंग से तरीके से पूरी जरा पहन कर आता है, मगर आप जब भी मैदान में आते हैं तो आगे तो एक लोहे का टुकड़ा है मगर पीछे कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं है, अब जरा पूरी क्यों नहीं पहनते। और ये भी अजीब है, मौला अली जब भी मैदान में आते तो आगे जरा का एक टुकड़ा रहता था मगर पीठ की तरफ जरा कभी मौला अली ने नहीं बांधी। और जब सवाल करने वाले ने कहा मौला पीठ की तरफ जरा क्यों नहीं बांधी, तो जवाब दिया कि आगे की तरफ जरा इसलिए पहन रखी है कि जो तीर आए वो जरा रोक ले, और पीठ की तरफ जरा इसलिए नहीं बांधी क्योंकि मैं अली जंग में भागने के इरादे से तो आता नहीं हूं। ये कैसा मुजाहिद है जो बगैर जरा के मैदान में आ रहे हैं। और तीसरा लोगों का एतराज ये था कि मौला आप इतने अजीम शान बहादुर हैं, शेर खुदा है, पैगंबर के सपह सालार हैं, जरा घोड़ा तो ढंग का खरीद ले, आपका घोड़ा बहुत कमजोर है। मुजाहिद की शान यह है कि उसके पास घोड़ा भी बेहतरीन होना चाहिए, और मौला का घोड़ा जो था वाकयन बहुत ज़ईफ था, कोई ताकतवर भागने वाला घोड़ा नहीं था, ज़ईफ चलता था, बदन में भी कमजोर था। मौला कोई ताकतवर घोड़ा रख लें जो तेज भागने वाला हो, तो मौला से जब ये सवाल किया तो मौला ने मुस्कुराकर फरमाया मुझे भागने वाले घोड़े की जरूरत क्यों है जब मुझे मैदान से भागना ही नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद इमाम। ये मुजाहिद अजीम शान सिर्फ तलवार से जिहाद नहीं किया, मौला ने माल से भी जिहाद किया है।
मौला अली ने अपनी इबादतों के जरिए से भी जिहाद किया। हर एतबार से मौला का जिहाद कामिल है, अकमल है। आज उस मौला की ये शब है, आज उस मौला को याद करना है। अज़ीज़ाने गिरामी, वो मौला भी हमें जिहाद अकबर की तरगीब दिला रहे हैं कि मोमिन की जिंदगी का मकसद ये हो कि जिहाद असगर में भी कामयाब हो जाए और जिहाद अकबर में भी कामयाब हो जाए। क्योंकि कितने लोग थे जो मौला अली के साथ जिहाद असगर में शरीक थे मगर जिहाद अकबर उन्होंने न किया, इमाम हसन से उन्होंने गद्दारी की। क्यों गद्दारी की जबकि जिहाद असगर कर चुके थे, मौला के साथ दुश्मनों से लड़ चुके थे मगर वो जिहाद अकबर की तरफ मुतवज्जे नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि ईमान उनका खत्म हो गया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से गद्दारी की। इसी तरह से तारीख में उठा के देख ले कि कितने लोग थे जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी उन्होंने वफादारी की, मौला अली के साथ भी वफादारी की। यानी जिहाद असगर करते रहे लेकिन जब करबला का मैदान आया तो मौला हुसैन से उन्होंने गद्दारी की। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी वही खता की कि जिहाद अकबर की तरफ मुतवज्जा न हुए। अज़ीज़ाने गिरामी, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि जिहाद अकबर जिहाद असगर से बहुत ज्यादा अहम है, ज्यादा अफजल है। अगर इंसान खुद को नफ्स के हवाले कर दे, अगर इंसान खुद को शैतान के हवाले कर दे तो ख्याल में खुद को मोमिन समझेगा लेकिन हकीकत में शिम्र से बदतर होता चला जाएगा। क्योंकि यही नफ्स है जिसने शिम्र को शिम्र बनाया, यही नफ्स अम्मारा है जिसने हुरमला को हुरमला बनाया। सलावत पढ़े मोहम्मद युवा लिहाजा किसी हालत में भी जिहाद अकबर से गाफिल न रहे। जिहाद अकबर क्या है? हमारे अंदर दो ताकतें हैं, एक ताकत का नाम नफ्स अम्मारा। सूरह यूसुफ ने फरमाया इन नफ्स अम्मारतुम बिसू इल्ला मा रहम रब्बी। ऐ लोगों, ये नफ्स जो है, ये नफ्स अम्मारा तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन है, तुम्हें जहन्नुमी बनाने वाला ये नफ्स अम्मारा है। कोई दोस्त या कोई दुश्मन तुम्हें जहन्नुमी नहीं बना सकता मगर ये कि नफ्स अम्मारा। और यही नफ्स है जो इंसान को खुदा का दुश्मन बना लेता, फासिक व फाजिर बना लेता। मगर अल्लाह ने ऐसे तनहा हमें नफ्स के हवाले नहीं छोड़ा, अल्लाह ने रूह अता की है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह जो है वो अम्र खुदा है, वो ताकत है जो खुदा ने हमें दी है। गुनाह से रोकने की ताकत भी है और गुनाह करने की ताकत भी है। अब ये दोनों ताकतों में जंग है। नफ्स अम्मारा गुनाह चाहता है और रूह अमरी इबादत चाहती है। नफ्स को इबादत से नफरत है और रूह को गुनाह से नफरत है। दोनों का मिजाज अलग अलग है, दोनों के मिजाज में तजाद है और हमेशा इन दोनों के दरमियान जंग है। और इस जंग का नाम है जिहाद अकबर की तरफ मुतवज्जा न हुए। अज़ीज़ाने गिरामी, इसीलिए मैंने अर्ज किया कि जिहाद अकबर जिहाद असगर से बहुत ज्यादा अहम है, ज्यादा अफजल है। अगर इंसान खुद को नफ्स के हवाले कर दे, अगर इंसान खुद को शैतान के हवाले कर दे तो ख्याल में खुद को मोमिन समझेगा लेकिन हकीकत में शिम्र से बदतर होता चला जाएगा। क्योंकि यही नफ्स है जिसने शिम्र को शिम्र बनाया, यही नफ्स अम्मारा है जिसने हुरमला को हुरमला बनाया। सलावत पढ़े मोहम्मद युवान। लिहाजा किसी हालत में भी जिहाद अकबर से गाफिल न रहे। जिहाद अकबर क्या है? हमारे अंदर दो ताकतें हैं, एक ताकत का नाम नफ्स अम्मारा। सूरह यूसुफ ने फरमाया इन नफ्स अम्मारतुम बिसू इल्ला मा रहम रब्बी। ऐ लोगो, ये नफ्स जो है, ये नफ्स अम्मारा तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन है, तुम्हें जहन्नुमी बनाने वाला ये नफ्स अम्मारा है। कोई दोस्त या कोई दुश्मन तुम्हें जहन्नुमी नहीं बना सकता मगर ये कि नफ्स अम्मारा।
और यही नफ्स है जो इंसान को खुदा का दुश्मन बना लेता, फासिक को फाजिर बना लेता। मगर अल्लाह ने ऐसे तनहा हमें नफ्स के हवाले नहीं छोड़ा, अल्लाह ने रूह अता की है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह जो है वो अम्र खुदा है, वो ताकत है जो खुदा ने हमें दी है, गुनाह से रोकने की ताकत भी है और गुनाह करने की ताकत भी है। अब ये दोनों ताकतों में जंग है, नफ्स अम्मारा गुनाह चाहता है और रूह अमरी इबादत चाहती है। नफ्स को इबादत से नफरत है और रूह को गुनाह से नफरत है। दोनों का मिजाज अलग अलग है, दोनों के मिजाज में तजाद है और हमेशा इन दोनों के दरमियान जंग है और इस जंग का नाम है जिहाद अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद। और ये जंग एक लम्हे के लिए रुकती नहीं। मिसाल दूं आपको, इधर से आप सहरी जल्दी करके सो गए और उधर से आज़ान फजर की आवाज आई, अल्लाहु अकबर। अब रूह की आवाज आएगी, उठो, जिस खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिस खुदा ने बेशुमार नेमतें दी हैं, जिस खुदा ने औलाद सेहत सलामती रिस्क कि तुम शुमार भी नहीं कर सकते नेमतों को, वो खुदा बुला रहा है। उन नेमतों को इस तरह से बजा लाओ कि सजदे में सर रखो ताकि उन नेमतों से शुक्र अदा हो जाए और नमक हलाली हो जाए। ये रूह की आवाज आएगी, उठो। लेकिन इधर से नफ्स कहेगा, नहीं थके हुए हो सो जाओ, अभी बहुत टाइम है, अभी नमाज कजा थोड़ी हो रही है। हाँ जी, नफ्स फौरन नहीं कहता गुनाह करो, पहले वो आहिस्ता आहिस्ता खींचता है, फौरन नहीं कहता कि नमाज वाजिब छोड़ दो, ये बहुत चालाक है, बहुत खतरनाक है। कहते मुस्तहब है, वाजिब तो नहीं छोड़ दो इसे, पहले मुस्तहब को छुड़वाएगा फिर वाजिब को। पहले कहेगा मकरूह है, कोई हराम तो नहीं है, मकरूह है, सारे मकरूह जायज है, पहले मकरूह करवाएगा फिर हराम करवाएगा। फौरन नहीं कहेगा नमाज मत पढ़ो, कहेगा नहीं अभी तो एक घंटा बाकी है, अभी तो अजान आई है, आधा घंटा सो लेता हूं। और फिर वो ऐसा सुलाता है कि जहां सूरज निकला है। सलावात पढ़ी मोहम्मद। अब आपने देखा कि आंख खुली, ये जंग शुरू हो गई। नफ्स ने कहा सो जाओ, रूह ने कहा उठ जाओ। अब अगर हमारी रूह के अंदर ताकतवर ज्यादा ज्यादा ताकत है, रूह के अंदर ज्यादा ताकत और शुजात है, तो रूह क्या करेगा, एक मर्तबा रजाई को लात मारेंगे, चादर को लात मारेंगे, उठ के वुजू करेंगे, खुदा का शुक्र अदा करेंगे, मुसल्ले पर आ जाएंगे। लेकिन अगर नफ्स ज्यादा ताकतवर है और रूह हमारी जो है उसे हमने गिदा नहीं दी, कोई अमल नेक नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई सदका नहीं, कोई जिक्र नहीं, कोई वुजू नहीं, तो क्या होगा, अगर हमने उठना चाहा, नफ्स के अंदर ज्यादा ताकत है और रूह कमजोर है, तो नफ्स हमारा रूह को थप्पड़ लगा के सुला देगा, नमाज हमारी कजा हो जाएगी। अब आपने देखा कि इब्तदा से लेकर जैसे हम जागते हैं, पूरे दिन और रात में ये जंग जो है चलती रहती है। कभी सामने गुनाह नजर आता है तो नफ्स खींचता है, सामने नेकी नजर आती है तो रूह खींचती है और इधर से नफ्स रोकता है। बस अज़ीज़ाने गिरामी, इस जंग में फतह हासिल करना हर मोमिन पर वाजिब है, वरना मोमिन मोमिन नहीं रहेगा। और इस जंग में फतह याब होने के लिए परवरदिगार ने इस महीने के रोजों को वाजिब किया। रोजे वाजिब ही इसलिए है कि हम इस जंग में फतहयाब हो जाए, वरना हमारे रोजों से खुदा को क्या फायदा, हमारे रोजों से पैगंबर को क्या फायदा, हमारी भूख प्यास से इस्लाम को क्या फायदा। कोई अमल तो है नहीं रोजे में, सिर्फ न खाना है न कुछ पीना है, कोई अमल तो नहीं है जिसे फायदा हो कि हम मस्जिद बना रहे हैं, हम मदरसा बना रहे हैं, हम किताब लिख रहे हैं, नहीं नहीं कोई अमल नहीं रोजे में, तो ये भूख प्यास से इस्लाम को क्या फायदा। अज़ीज़ाने गिरामी, असल खुदा ने रोजों को इसलिए वाजिब किया है कि भूख और प्यास से नफ्स कमजोर हो जाता है और रूह ताकतवर हो जाता है।
नफ्स है मारा, ये भूख और प्यास से शहवात, जितनी शहवात शैतानी हैं और नफसानी है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और इधर रूहानी ताकतें जितनी है वो ताकतवर हो जाती है। तो ये महीना इसलिए रोजों को वाजिब किया गया ताकि हम इस जंग में कामयाब हो जाएं, हम नफ्स को शिकस्त दे दें और रूह को ताकतवर बना दें। सलवात पढ़ी मोहम्मद। अजीदान गिराम, लिहाजा कल अर्ज किया गया कि ये जंग जो हम पर वाजिब है कि हम नफ्स अम्मारा की मुखालिफत करें, और शैतान और नफ्स ये दोनों हमारे बड़े दुश्मन हैं। या बनी आदम अल्लाह तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, नफ्स अम्मारा और शैतान। अब इनसे कैसे लड़ेंगे, शैतान भी हमें नजर नहीं आता और नफ्स अम्मारा भी हमारे अंदर मौजूद है, नजर नहीं आता। अब कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, अगर नफ्स को शिकस्त देनी है तो सब्र का हथियार ले लो। और बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि सब्र से मुराद रोजा है, कि जहां चाहते हो ये जिहाद तुम्हारा कामयाब रहे तो रमजान के अलावा भी मुस्तहबात बहुत हैं, रोजे बहुत हैं, नजर के रोजे भी रख सकते हैं, मुस्तहब भी रख सकते हैं। रोजों में क्या फायदा है, जिस्मानी फायदा भी है, रूहानी फायदा भी है। न कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हाँ जी, न शुगर बढ़ेगी, न ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, न और बीमारियां होंगी, जिस्मानी फायदा भी है। और इधर ये नफ्स अम्मारा ज़ईफ हो जाता है। तो अल्लाह ने कहा एक रोजों से फायदा लो, सब्र से मुराद रोजे हैं, और सलात और नमाज से। अब मैंने कल भी मिसाल अर्ज की थी कि नमाज एक हथियार नहीं, लश्कर है पूरा, जिसको अगर हम इस्तेमाल करना सीख लें तो हम नफ्स को भी शिकस्त दे सकते हैं और शैतान को भी शिकस्त दे सकते हैं। देखिए नमाज की कितनी अहमियत है। कल आपने सुना कि नमाज न पढ़ना तो दूर की बात है, न पढ़ने वाले के लिए तो साफ कुरान ने ऐलान किया, परवरदिगार ने ऐलान किया अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, जो नमाज नहीं पढ़ता वो खुद को मुसलमान न कहे, वो मुशरिक है, वो नजिस है। साफ ऐलान है, कुरान का ऐलान, इन्हीं की हदीस है उसे कह मैं ये ज़ईफ है। कुरान जिसकी एक आयत में शक नहीं, अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो, अगर तुम खुद नमाजी नहीं हो तो खुद को खामखा मुसलमान कह के मुसलमानों को बदनाम न करो, तुम मुशरिक हो। और मुशरिक कौन है, नजिस है, मुशरिक नजिस है। अल्लाह अकबर, यानी क्या मकसद, अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो एक निजासत इंसान के कल्ब पर आ जाती है। यह हदीस भी है कि जहां आपने वाजिब को तर्क किया, जहां इंसान ने गुनाह किया तो एक काला नुक्ता इंसान के कल्ब पर रूह पर आ जाता है। फिर दोबारा इंसान की नमाज कदा हुई, वो नुक्ता और बढ़ गया, फिर नमाज कदा की और नुक्ता बढ़ गया, यहां तक के खुदा न करे अगर इंसान के कल्ब की स्याही इतनी बढ़ जाए कि कल्ब की नूरानियत खत्म हो जाए और स्याही हो, तो फरमाया वहां इंसान के लिए हिदायत के दरवाजे बंद हो जाते। जितनी नसीहत करें कोई असर नहीं, जितना कुरान सुनाएं कोई असर नहीं, जितनी हदीसें पढ़ें कोई असर नहीं। हत्ता के जमाने के इमाम भी आके, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आके तकरीर करें, खुतबे दे, कोई असर नहीं है। अजीजान गिरामी, ये करबला का मैदान था ना कि मौला हुसैन नसीहत कर रहे थे मगर उन पर असर नहीं हो रहा था, और मौला ने बतलाया क्यों नहीं हो रहा, फरमाया हराम खाने की वजह से तुम्हारे दिलों के अंदर जो नूरानियत है वो खत्म हो चुकी है। गुनाह करने की वजह से भी दिल की यह हालत हो जाती है, वाजिब को छोड़ने की वजह से भी दिल की यह हालत हो जाती है कि हिदायत का असर इंसान लेता ही नहीं, और यह बदतरीन हालत, यह बदतरीन अजाब। अब आपने देखा, इसलिए कहा कि मुशरिक है, यानी निजासत आती है, यह जाहिरी निजासत नहीं, बातिनी निजासत। लेकिन आपने कल सुना दूसरी आयत को, आपने सुना कि सिर्फ नमाज न पढ़ने की बात नहीं है, नमाज पढ़ रहा है मगर उसे भी खुदा ने कहा उसे भी जहन्नुम में जाना है। वो कौन, वबैलुल मुसल्लीन, जहन्नुम है नमाजियों के लिए।
नमाजी है मगर इतनी अहमियत है नमाज की कि फिर भी वो जहन्नमी। परवरदिगार नमाज पढ़ी क्यों? कहा अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। नमाज उसने पढ़ी, इमाम ने तफसीर फरमाई, लेकिन उसने वक्त पर नहीं पढ़ी। आधा घंटा लेट नमाज पढ़ी, एक घंटा लेट नमाज पढ़ी। जो फजीलत का वक्त है वही आजान का वक्त है। नमाजी है ये नहीं कि बेनमाजी, बेनमाजी तो मुशरिक है, मगर खुदा ये कह रहा है अगर कोई फजीलत के वक्त पर नमाज न पढ़े, इमाम उसे तफसीर में बयान करते हैं इस आयत को, इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम कि वो भी अजाब इलाही से बच नहीं सकते। अब आप सोचेंगे आखिर वजह क्या है, इतनी अहमियत नमाज की क्यों है? बात यह है कि अगर आप कुरान का गहराई से मुताला करें तो कुरान ने सूरह बकरा ही में फरमाया कि अल्लाह वलीयुल लजीन आमनू युखरिजहुम मिनज़्ज़ुलमात इलन्नूर। अल्लाह साहिबान ईमान का वली है और अल्लाह क्या करता है, दो मकामात है या दो ममालिक हैं, एक है जुल्मात का मुल्क जहां जुल्मात है, अंधेरा है, निजासत है, खबासत है, वहां शैतान की हुकूमत है, और एक है नूर ही नूर की वादी, वहां खुदा की हुकूमत। खुदा की हर जगह हुकूमत, मगर खुदा ने एक तशबीह दी है समझाने के लिए, अल्लाह वलीयुल लजीन आमनु। खुदा कहता है मैं साहिबान ईमान का वली हूं, युखरिजहुम मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर, मैं मोमिनों को जुल्मात से निकालकर, निजासतों से निकालकर, अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले आता हूं। अब नूर में आ गए, आप की हिफाजत ही हिफाजत है। अब कवानीन रहमतें इलाही बरकतें वो आप पर नाजिल हो रही है, आप नूर में बैठे हुए हैं। मगर फरमाया वल्लज़ीन कफरू, मगर जो काफिर हैं, औलियाउहुम तागूत, ये आयतुल कुर्सी है, उनके औलिया कौन है, शयातीन है, युखरिजूनहुम मिनन्नूर इलज़्ज़ुलमात, वो उन्हें नूर से निकाल कर जुल्मात की तरफ ले जाते हैं। अब शयातीन का काम ये है, बस अज़ीज़ाने गिरामी यूं समझ लें कि बॉर्डर है, जैसे ये कुवैत का बॉर्डर है, आप आराम से बैठे हुए हैं, जरा बॉर्डर क्रॉस करें धमाके ही धमाके हैं, खून ही खून है, वो इराक आपके नजदीक है मगर यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? कि बॉर्डर अलग है, ठीक है। लेकिन अगर इराक में बॉर्डर क्योंकि बदल गया, मुल्क बदल गया, वहां मिसाइल भी गिर रहे हैं, बम भी फट रहे हैं, हर रोज लोग मर रहे हैं, क्यों? कि बॉर्डर आप क्रॉस कर गए, अब खतरा है। बिल्कुल इसी तरह से है, जैसे इंसान ने नमाज फजर को कजा किया तो इंसान खुदा के बॉर्डर से निकलकर शैतान के बॉर्डर में आ गया। अब कोई जमानत नहीं, कोई खुदा की तरफ से जमानत नहीं, ये खुद नूर से निकलकर जुल्मात में गया है। अब वहां पर कितने हमले हो सकते हैं, इसका ईमान भी बर्बाद हो सकता है, इसका दीन भी बर्बाद हो सकता है, ये गुनाहों में भी मुब्तला हो सकता है, शैतान के तीरों की बारिश हो रही है, ये जख्मी भी हो सकता है, लेकिन खुदा ये कहता है अगर तू मेरे बॉर्डर में आ जाए तो मैं तेरी हिफाजत करूंगा, फिर तेरे ऊपर रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल, सलावत पे मोहम्मद। ये मसला है कि नमाज तर करने से इंसान शैतान की वादी में चला जाता है। अब एक हदीस सुनाऊं ताकि बात बिल्कुल वाज़ह हो जाए। एक खातून हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा की खिदमत में आई, रो रही है, चीख रही है, बालों को नोच रही है, मैं तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, मैं जहन्नमी हो गई, मैं मलूना हो गई। रसूल खुदा ने सवाल किया क्या मुसीबत तुझ पे आ गई? कहा अल्लाह के रसूल मैं शोहरदार औरत थी मगर शैतान नफ्स ने मुझे भटकाया, मैंने जिना जैसा गुनाह पे कभी ना किया, बदतरीन गुनाह, क्योंकि सदा यह है कि संसार करके मार, सिर्फ ये गुनाह नहीं किया बल्कि उस हराम के गुनाह की वजह से मुझे बच्चा पैदा हुआ, मैंने उस बच्चे को सिरके में डुबो डुबो के मार दिया, कत्ल कर दिया।
یہ دوسرا بڑا گناہ. اللہ کے رسول صرف اس بچے کو مارا نہیں بلکہ جس سرکے میں اس بچے کو اس مردہ بچے کو میں نے ڈالا تھا اور وہ مر گیا وہ سرکہ میں نے مسلمانوں کو کھلا دیا, بیچ کر کھلا دیا. تین گناہ نے کبیرہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی آواز آئی, اے عورت دور ہو جا کہ کہیں تجھ پر عذاب نہ آ جائے, یہاں سے دور ہو جا, تین گناہ نے کبیرہ تو کر چکی ہے, مگر یہ سنتی جا, دوسروں کو سناتی جا کہ تجھے میں اللہ کا رسول بتلاؤں کہ یہ تو نے تین گناہ نے کبیرہ کیوں کیے. اللہ کے رسول بتلائیں, کہا اس لیے تو نے تین گناہ نے کبیرہ, زنا بھی کیا, قتل بھی کیا, لوگوں کو حرام بھی کھلایا, اس لیے کہ تو نماز نہیں پڑھتی تھی. اب سمجھ لیا, انسان اگر نماز ترک کر دے تو اب شیطان نے ہر کام اس سے کروانا ہے, زنا بھی کروا سکتا ہے, قتل بھی کروا سکتا ہے, حرام بھی کھلوا سکتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے نماز کی اہمیت ہے. عزیزان گرامی, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں میں ہے صلوات پر محمد. مولا علی فرماتے ہیں لا ینال ولایتنا من استخف بصلاته. اگر کوئی علی ولی اللہ کا اعلان کر رہا ہے, اگر کوئی کہتا میرے دل میں ولایت علی ہے, علی کی محبت ہے, میں علی کا عاشق ہوں, میں علی کی ولایت رکھنے والا ہوں, تو مولا فرماتے ہیں جو نماز کو اہمیت نہیں دے گا قیامت کے دن اس کے دل سے علی کی ولایت کا نور نکل جائے. اگر چاہتے ہو ولایت علی کا نور قبر میں بھی ساتھ رہے, اگر چاہتے ہو کہ ولایت علی کا نور قیامت میں بھی ساتھ رہے, تو اس کے لیے لازمی کیا ہے کہ نماز صرف پڑھو نہیں بلکہ مولا فرماتے فضیلت کے وقت پہ پڑھو. یہ نہیں نماز پڑھو, نماز تو ساری دنیا پڑھتی ہے. فرمایا وہی کہ اللہ اکبر, جب آواز سنو تو سمجھ لو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں. نہ کام بڑا ہو سکتا ہے, نہ دوست بڑے ہو سکتے ہیں, نہ مال بڑا ہو سکتا ہے, نہ میری جان بڑی ہو سکتی ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, وہ بلا رہا ہے. تو پہلے خدا کو لبے کہنا ہے, پھر بعد میں دوسرے کام. صلوات پر محمد. اور میں نے عرض کیا عزیزان گرامی, کسی اور مذہب میں اتنی نمازیں نہیں جتنی مذہب اہل بیت میں. 200 سے زیادہ مستحب نمازیں ہیں جو اہل بیت نے ہمیں بتلائی ہیں, ہر مصیبت کے لیے, ہر مشکل کے لیے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نماز پڑھتے تھے, بڑی سے بڑی مشکل آپ کی حل ہو جائے گی بیوی کی اس نماز کے صدقے میں. حضرت جعفر تیار کی نماز کی کیا عظمت ہے, تاخیر کی اہل بیت اس نماز کو پڑھا کریں. حضرت سلمان فارسی کی نماز ہے, ہر امام کی نماز مخصوص ہے, کتنی نمازیں ہیں, ہر مہینے کی نماز ہے, اللہ اکبر, اور بڑی آسان نماز ہے. ہر مہینے چاند نظر آئے دو رکعت نماز پڑھ لیا کریں, اس کا فائدہ اتنا ہے ہم سوچ نہیں سکتے. کیا ہر مہینے کی ابتدا پہلے جیسے چاند نظر آ جائے دو رکعت نماز ہے فقط, مگر الحمد کے بعد 60 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد, سورہ توحید پڑھنا ہے. فرمایا کہ اس نماز کی بدولت جتنے بھی اس بندے کے گناہ ہو خدا اہل بیت قرآن اس نماز کے صدقے میں اس کے سارے گناہ بخش دے. یعنی ہر مہینے انسان خود کو پاک کر سکتا ہے. چاند نظر آ جائے دو رکعت نماز پڑھ لیں, جتنے چھوٹے بڑے گناہ خدا بخش دے گا. عزیزان گرامی, نماز سے غافل نہ رہیے. اب آئیے مولا علی کی دوسری وصیت. مولا فرماتے اوصیکم, اے شیعو میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. ظاہر مولا حسن کو وصیت ہو رہی ہے, لیکن حقیقت میں قیامت تک آنے والے جتنے مومنین ہیں وہ مولا علی کے روحانی بچوں میں شامل ہیں, روحانی اولاد میں شامل ہیں. نبی اور علی ہمارے روحانی باپ ہیں. صلوات پر محمد. اسی لیے رسول خدا نے فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ, میں اور علی اس پوری امت کے روحانی باپ ہیں. کتنا عظیم شان رشتہ ہے.
जो पैगंबर ने नबी और अली के जरिए से हमारा जुड़ा हुआ है, कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, अली वलीउल्लाह पढ़ रहा है, वो हमारा भाई है। भाई, ये सगा भाई, ये मुमकिन है मरने के बाद हमसे जुदा हो जाए, मगर वो भाई जो अली की वजह से बना है, नबी की वजह से बना है, वो जुदा नहीं होने। ये रूहानी रिश्ता है। तो कभी भी इस हदीस को ना भुलाया करें। इमाम बारगाहों में लिख दिया करें, शैतान जो है इख्तलाफ चाहता है ना, शैतान मुसलमानों को तकसीम करना चाहता है, मोमिनीन में नफरतें पैदा करना चाहता है, ये शैतान का काम है। लिहाजा हमेशा यह हदीस जो है सामने रहे कि अना व अली, मैं और अली पूरी उम्मत के रूहानी बाप हैं। अजीजान गिरामी, लिहाजा हम सब का रूहानी बाप कौन? अल्लाह के रसूल है और मौला अली ये हमारे रूहानी बाप है। लिहाजा हम कौन है? हम सगे भाइयों से भी ज्यादा नजदीक तर भाई है। लेकिन अगर कोई इख्तलाफ करना चाहे कि भाई ये पंजाबी है, ये पठान है, ये मुहाजिर है, ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, अगर ऐसी कोई बातें करना चाह रहा है तो समझ ले कि उसके जबान में शैतान बोल रहा है। ये नबी की बात नहीं है, ये कुरान की बात नहीं है। हम तो सगे भाई हैं क्योंकि हमारा बाप एक है। हाँ जी, हमारा बाप एक है। तो अगर कोई नफरत फैला रहा है तो वो हमसे रिश्ता नहीं तोड़ रहा, अपने बाप से रिश्ता तोड़ रहा है। अगर कोई कह रहा है कि मैं पंजाबी हूं, मैं पठान हूं, मैं, अरे भाई ये तो जहां पैदा हो गए वो जबान मिल गई, ये कोई हकीकत नहीं है। कबर में जाने के बाद कोई नहीं पूछेंगे पंजाबी कौन हो, पठान कौन हो। मन रब का, ये जिस्मानी रिश्ते खत्म, जबानी रिश्ते खत्म, ईमानी रिश्ता पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा इमाम कौन है। सलावत पढ़े मोहम्मद। तो होशियार रहिए, शैतान मोमिन को आपस में लड़ाना चाहता है, इख्तलाफात चाहता है। इन्नमा युरीदु शैतान, शैतान हमेशा ये चाहता है मोमिन में इख्तलाफ हो जाए। लिहाजा मौला अली की वसीयत को याद रखें। हाँ, हमारे रूहानी बाप मौला अली हैं, मौला रसूल खुदा हैं, और मौला फरमाते उसी कुम, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं ऐ मोमिनो, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मुसलमानों। क्या वसीयत? कसरत जिक्र मौत, कसरत से मौत को याद किया करो। हाँ जी, वाकई नफ्स को शिकस्त देने के लिए बेहतरीन अमल है मौत को याद करो। अगर हम चाहते हैं जिहाद अकबर में कामयाब हो जाएं, तो जितना मौत को याद ज्यादा करेंगे उतना नफ्स कमजोर होता चला जाएगा और रूह हमारी ताकतवर होती चली जाएगी। अजीजान गिरामी, इंसान जहां भी गुनाह करता है मौत को भूल जाता। चार दिन की जिंदगी है और इस चार दिन की जिंदगी में कहां कहां नफ्स हमें ले जाता है, क्योंकि मौत को भूल जाते हैं। दुनिया जमा करने पर इंसान आए तो इतना माल जमा करता है, इतना माल जमा करता है, जैसे कयामत तक उसे जिंदगी यही गुजारनी। हाँ, ये सारी गफलत है। और बुग्ज़ो अनाद दुश्मनी में इंसान आ जाए तो ऐसा बुग्ज़ो अनाद दुश्मनी का मुजाहरा करता है कि गोया अस्तग़फ़िरुल्लाह, खुदा ही ये खुद बन गया है, मालिक ही खुद बन बैठा है, हिसाब किताब का खुद जज बन बैठा है। अजीजा, ये सब चीजें क्या है? मौत को इंसान भुला देता है। इंसान अगर मौत को याद करे तो हजारों गुनाहों से बच जाता। मौत बड़ी नसीहत है, बड़ी नसीहत है। मौला इसीलिए फरमाते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक मरतबा कब्रिस्तान जाया करो। हाँ, कब्रिस्तान जाके फिक्र दिया करो कि आखिर हमें यहीं पर आना है, यही जगह है, आखिर सब ने आना है। कहाँ गए हमारे बाप दादा, कहाँ गए बड़े बड़े बुजुर्ग, सब ने वहाँ जाना है और आखिर हमें भी वहां जाना है। अल्लाह अकबर, कुबूर की जियारत का इसलिए सवाब है कि वहां पर इंसान क्या है, एक मरतबा मुतवज्जा हो जाता है। इसीलिए आप देखिए सबसे ज्यादा सवाब है किसी की नमाज जनाजा में शरीक हो जाए, आपको इतना सवाब मिलेगा कि आप हिसाब नहीं कर सकते। क्यों? जब हम जाते हैं किसी मोमिन की मैयत में, अल्लाहुम्मा इग्फिर हाज़ल मैयत, परवरदिगार इस मैयत को बख्श दे। हाँ,
तो क्या होता है, हदीस है कि हमारे पीछे फरिश्तों की 7 सफे होती हैं और एक दुनिया से लेकर दूसरे तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक एक सफ होती है फरिश्तों की 7, जिसकी तादाद खुदा जानता है। जब हम उस मोमिन के लिए कहते हैं कि परवरदिगार इस मोमिन को बख्श दे, तो ये फरिश्ते क्या कहते हैं, हमारे लिए वही जुमले कहते हैं कि परवरदिगार ये मोमिनी जो अपना कारोबार छोड़कर आए हैं, काम छोड़कर आए हैं, घर बार छोड़कर आ रहे हैं और एक मोमिन को दफनाने के लिए आए हैं, उसके लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे अल्लाह इन नमाजियों को बख्श दे। क्यों इतना सवाब है? क्योंकि यहां इंसान मुतवज्जह होता है, गफलत से बेदार होता है। ये गफलत है जो इंसान को शराबी बना देती है, ये गफलत है जो इंसान को चोर बना देती है, गफलत है जो इंसान को जानी बना देती है, खुदा का दुश्मन बना देती है। मौत एक मर्तबा इंसान को झंझोड़ता है, कब तक दुनिया में रहोगे? हाँ मालूम है कि मौत कब आएगी? नहीं मालूम है। मौत कहां आएगी? नहीं मालूम है। मौत कैसे आएगी? नहीं। अल्लाह अकबर, तो उस मौत से हम क्यों गाफिल हैं? एक आलिम रब्बानी आयतुल्ला नराकी कहते हैं, लोगों कितने गाफिल हैं हम कि सर्दी आने से पहले हम सर्दी का बंदोबस्त करते हैं। भाई गर्म कपड़े खरीद लो, भाई गर्मी सर्दी आने वाली हीटर बना लो, और गर्मी आने से पहले हम गर्मी का बंदोबस्त करते हैं, भाई जल्दी से एसी ठीक कर दो क्योंकि बहुत शदीद गर्मी पड़ने वाली है, कपड़े गर्मी के बना लो। फरमाते ऐ इंसान, तू गर्मी आने से पहले गर्मी की तैयारी करता है, सर्दी आने से पहले सर्दी की तैयारी करता है, मगर अजब है तेरी गफलत पर कि तू मौत आने से पहले मौत की तैयारी नहीं करता। यही गफलत है, मौत आने से पहले तू मौत की तैयारी नहीं करता। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर कोई शिमर बना तो इसलिए बना के मौत को भुला दिया। क्यों? पैसे की लालच। वही जो माल कितने जालिमों ने पैसे लेकर मौला हुसैन पर तीर चलाए, चलो 1 लाख 2 लाख जो भी दिरहम दीनार मिले होंगे, और वही मर गए, एक दीनार भी खर्च न कर सके, न दुनिया मिली न आखिरत, फिन्नार हो गए जहन्नम। अगर इंसान पैसे के लिए अपना दीन बेचे तो पैसा तो यहां भी ऐसे जुदा हो जाता है। ये सब मौत को भुलाना है, जिस कदर ज्यादा हो सके मौत को याद करें, क्योंकि आज मौला की जरूरत की तारीख है। सबका दिल रोना चाहता है, हम सब मौला कबूर साईवा में जमाना को देना चाहते, दिलों को ले चले नजफ में। अली आज भी मजलूम है, मौला आज भी मजलूम है। आज भी आपने देखा कि मौला का रोदा इस मजलूमियत के साथ में। हाँ एक वो आग थी जो मौला अली ने जिंदगी में दरे जहरा पर देखी थी, और आज भी इसी तरह से मौला के रोजे पर। आइए उस मौला का पुरसा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह में हकू, मौला का पुरसा इमाम हसन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद Yeah.
मौला के आखिरी सजदे पे मेरा सलाम हो उस जख्मी सर मौला अली पे मेरा सलाम हो उस जर्द परेशानियां दूर कर दे
सब मिलके कहें या ग़ियाथ मुस्तग़ीसीन, या ग़ियाथ मुस्तग़ीसीन, बुलंद आवाज़ सुनने वाले मेरे अल्लाह। ऐ खुदा आज हम सभी की फरियाद सुन, मौला अली के सदके। आज की रात मौला अली अपनी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम के घर मेहमान है। कुलसुम को नहीं मालूम बाबा एक रात के मेहमान है, अली की आवाज न सुन सकेंगे। हजरत उम्मे कुलसुम ने दस्तरखान बिछाया, रोटी रखी वही रोटी जो खुश्क साधे थे मौला अली। नमक रखा, दूध रखा, जब ये दो चीजें दस्तरखान पे मौला अली ने देखी, तअज्जुब से निगाहें उठाई, बेटी से सवाल किया, उम्मे कुलसुम तूने कब देखा है कि तेरा बाबा दस्तरखान पे एक से ज्यादा कुलसुम ने कहा बाबा मुझे मालूम है आपके दस्तरखान पे एक चीज रहती है बेटा, फिर आज नमक भी है और दूध भी है। और बेटा एक चीज उठा लो। हजरत उम्मे कुलसुम ने देखा बाबा रोजे रख रहे हैं, बाबा सूखी रोटी खा रहे हैं, बाबा सही में नमक उठाना चाहा ताकि मौला दूध से रोटी ले ले। फरमाया नहीं मेरी जान उम्मे कुलसुम दूध उठा। पहले भी बाबा आए थे मगर आज की रात मेरा दिल परेशान हुआ, गोया में गुज रही थी कुछ होने वाला, मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाबा एक कमरे में चले गए, इबादत में मशगूल हो गए, मैं सहन में टहल रही थी। मेरे अल्लाह मशगूल है, एक मर्तबा मेरे बाबा ने आसमान की तरफ देखा, खिड़की से चेहरा निकाला, आसमान की तरफ अली ने देखा,
बड़ी देर दर देख के कुछ बढ़ते रहे, फिर अपने दाढ़ी पे हाथ फेर के कहा इन्ना رسول خدا نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ مجھے یاد آ گیا ہائے مولا علی مولا علی چلے جب دروازے سے باہر نکلنے چلے تو گھر میں بدکے تھے انہوں نے ابا کو پکڑنا شروع کیا دامن ابا کا چھڑایا مولا گئے خود ابن ملجم کو اٹھایا دیکھا الٹا سو رہا ہے دشمن کو بھی نصیحت کی قاتل کو بھی نصیحت کی کہا ابن ملجم اوندا شیطان سوتا ہے مسلمان کو کبھی اوندا نہیں سونا چاہیے آئے جا کے آزان دی خود علی نے آزان دی کوفے کی گلیوں میں علی کی صدا گونج رہی ہے مگر زینب حسین سے پوچھ رہی ہے میرا دل کیوں پریشان ہے روایت کے مطابق امام حسن حسین بھی پیچھے آنا چاہتے تھے مگر مولا نے خود واپس کر دیا پیچھے آنے نہ دیا علی کی آزان گونج رہی ہے یہ آخری آزان دی جو کوفے والوں نے علی کی سنے آئی آخری آزان تھی مولا نے نماز شروع کیا سجدے میں سر تھا یہ ملعون ابن ملجم آگے بڑھا آئے وہ تلوار بھی عام تلوار نہ تھی اس قدر اس میں زہر داخل کر دیا گیا تھا کہ پورے کوفے کو مارنے کے لیے کافی تھا ایک مرتبہ ظالم نے علی کے سر پہ ضربت ماری علی کیا Ta-da!
नमाज तमाम इमाम हसन ने करवाई। आए मौला हुसैन ने सहारा दिया, हसन ने सहारा दिया, बनी आजम के जायदादों ने सहारा दिया, मौला को सहारा दे गया। अगर आप इजाजत दे मगर एक जुमला कहूँ, या अली एक सर पे जरबत लगी है, हजारों सहारा देने वाले मौजूद है, मौला अली जरा करबला में आए। मौला हुसैन जख्मों से चूर चूर है, न अब्बास है न अली अकबर है, न कासिम है न हबीब।